फायरबोल्ट की अल्ट्रॉन स्मार्टवॉच आज लॉन्च होने वाली थी एंड अभी टाइम ऑलरेडी 12:20 के अराउंड हो चुका है, बट फ्लिपकार्ट ने अभी तक वो स्मार्टवॉच लिस्ट नहीं किया परचेज करने के लिए। तो परचेज करेंगे बाद में जब वो एक बार लॉन्च हो जाएगी, बट हमारे पास उसकी कम्पिटिटिव वॉच अवेलेबल है जो कि नॉइज फिट वो 2 यहाँ पे है हमारे सामने एंड हमारे पास। तो गाइस दोनों स्मार्टवॉच 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, दोनों के फीचर काफ़ी सिमिलर हैं एंड सेम प्राइस में होने की वजह से काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है अंडर 5,000 और आप बोल लीजिए टू बी वेरी स्पेसिफिक 4,000 रुपीज़। तो अगर आप इन दोनों वॉचेस के बीच में देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, नॉइस की एवोल्ड 2 या आप फायरबोल्ट की अल्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। बस बेसिक जो फीचर वगैरह का डिफरेंस है वो मैं आपके लिए बताऊंगा एंड आपको बेटर स्मार्ट वॉच चूज करने में हेल्प करूंगा। ओके, बट फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, आपकी रेफरेंस क्या है गाइज। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिससे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइज क्विकली एक बार हम देख लेते हैं डिफरेंस दोनों स्मार्टवॉचेज के बीच में। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था अल्ट्रॉन परचेज करने की, बट वो परचेज नहीं कर पाया एंड ये हमारी जो है नॉइस फिट की इवोल्व 2 तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी थी, अनबॉक्सिंग वीडियो हमने अपडेट कर दिया। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इवोल्व 2 में आपको मिलता है एमोलेड पैनल 1.2 इंचेस का एंड अल्ट्रॉन में आपको मिलेगा सुपर एमोलेड पैनल। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले अल्ट्रॉन आपका विनर है एंड अदर थिंग गाइस यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं, वहाँ पे 1 बटन मिलेगा, बट ये आपका रोटेशनल बटन होने वाला है एंड अच्छी बात है आप उसका कुछ यूज़ कर पाएंगे, बट ये 2 बटन भी काफ़ी यूजफुल हैं। ओके, तो डिस्प्ले वाइज हो गया गाइस आपका जो है अल्ट्रॉन विनर है। उसके बाद अगर सेंसर की बात करें तो आपको मिलते हैं इवोल्व 2 में हार्ट रेट, SpO2, HR, लाइक हार्ट रेट हो गया, स्लिप हो गया एंड आपका स्टेप काउंट जैसे बेसिक सेंसर मिलते हैं, ना ही आपको इनहेल का मोड मिलता है एंड उसके अलावा आपको जो है वुमेन हेल्थ का मोड भी नहीं मिलता। ओके, इनहेल वाला मोड है, लाइक ब्रीद इन वाला मोड यहाँ पे मिल जाएगा, बट वुमेन हेल्थ का मोड नहीं है। तो अगर हम अल्ट्रॉन की बात करें तो अल्ट्रॉन में आपको सेंसर भर भर के दिए गए, ब्रीद वाला सेंसर आपको मिल जाएगा, SpO2 मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, देन स्लीप काउंट, वुमेन हेल्थ, आपका लाइट सेंसर भी मिलेगा एंड बारोमीटर सेंसर भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी सेंसर यहाँ पे हैं। तो अगेन गाइस अल्ट्रॉन विनर है इन टर्म्स में भी। 14 वर्कआउट मोड आपको अल्ट्रॉन में मिलते हैं एंड अगर हम बात करें आपकी इवोल्व 2 की तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 12 मोड दिए गए हैं वर्कआउट के। ओके, तो अगेन अल्ट्रॉन इस टर्म में भी विनर है। बट बैटरी लाइफ में गाइस ये नॉइस फिट इवोल्व 2 आपको 7 डेज़ का बैटरी बैकअप प्रोमिस करती है, 70 मिनट फुल चार्ज होने में लगेंगे एंड अल्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज करने में इसमें करीबन करीबन आपको लग जाएगा 2 घंटा एंड जो बैटरी बैकअप है वो 5 दिन बोला गया है फायरबोल्ट की ओर से, बट जो ट्रम एंड जो ट्रू होगा वो चीज़ हमें बाद में पता चलेगी जब हमारे पास वो आएगा। दोनों के दोनों गाइस वाटर रेजिस्टेंट हैं, आप 30 मीटर वाटर के अंदर इसको ले जा सकते हैं अराउंड 3 आवर, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली एंड वो वर्क करेंगी तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, दोनों में सिलिकॉन केस सिलिकॉन का स्ट्रैप मिलेगा, बट यहाँ पे आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगा, बट स्टेनलेस जो स्टेनलेस स्टील है वो आपको फ्रेम मिलेगा अल्ट्रॉन में। ओके, तो गाइज अगर हम साइज एंड शेप की बात करें तो ये एक काफ़ी लाइट वेट वॉच है जो सिर्फ 38 या 39 ग्राम है, 38.5 ग्राम का वेट है, बट अल्ट्रॉन आपका एक इससे डबल वेट मान लीजिए, अल्ट्रॉन का वेट होगा टोटली आपका 80 ग्राम। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सभी फीचर्स एंड ये सभी डिफरेंस हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के बीच में। अदर देन दैट म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल दोनों फंक्शन दोनों स्मार्ट वॉचेज में अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो है अपना कॉल म्यूट एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक कॉल म्यूटिंग कॉल म्यूट वाला फंक्शन अल्ट्रॉन में नहीं होगा। एंड क्या एडवांटेज आपको नॉइस में मिलेगी, क्विक रिप्लाई का सपोर्ट मिलता है, आप क्विक रिप्लाई कर पाएंगे, बट वो चीज़ अल्ट्रॉन में नहीं है।
तो ये सभी चीज़ें हैं गाइस। अदर देन दैट एक और फीचर रह जाता है बिल्ट इन गेम का, बिल्ट इन गेम आपको अल्ट्रॉन में मिल जाएंगे, बट नो इसकी जो है इवोल्व टू में वो चीज़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अदर देन दैट गाइस सेंसर की एक्यूरेसी वगैरह की अगर बात करूँ मैं, तो जो नॉइस का वर्जन या मॉडल हमारे पास आया है नॉइस का इवोल्व टू, मैंने कल अनबॉक्सिंग वीडियो में भी इसकी एक्यूरेसी दिखाई थी, ये उतना एक्यूरेट नहीं है। इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी जो है मैं बोलूँगा 50% के अराउंड, 40 to 50% डिफरेंस है एक्चुअल हार्ट रेट में एंड जो हार्ट रेट नॉइस की फिट इवोल्व टू से आई थी, तो अराउंड 40 to 50% का वहाँ पे डिफरेंस है, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। तो हार्ट रेट में मॉनिटरिंग में इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है, स्टेप काउंट एंड ऑल दैट में इस एक्यूरेसी सही है, बट फायरबोल्ट की जो स्मार्ट वॉच है अल्ट्रॉन वो हमारे पास अभी नहीं आई है, जब आएगी तब हम उसकी बात करेंगे कि कितनी एक्यूरेट वो स्मार्ट वॉच है। तो अभी के लिए जो फीचर्स वगैरह हैं कुछ चीज़ें इसमें बेटर हैं, कुछ चीज़ें अल्ट्रॉन में बेटर हैं, बट अगर आपको एक बेटर स्मार्ट वॉच चाहिए तो अल्ट्रॉन इससे थोड़ा बेटर ही मुझे लगा। लाइक नेक टू नेक कंपटीशन है बैटरी लाइफ वगैरह में, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, देन कुछ चीज़ों में सेंसर्स वगैरह में वो आगे है। तो जो आपके रिक्वायरमेंट है आपको किस टाइप से चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, बट अगर मेरे प्रेफरेंस आप पूछें गाइस तो मैं आपको अल्ट्रॉन सजेस्ट करूंगा। अल्ट्रॉन एक बार आ जाए तो उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। अभी 12 बजे सेल स्टार्ट होनी थी, 12 बज के करीबन 22 मिनट हो चुके हैं, फ्लिपकार्ट पे अभी भी ये कमिंग सून दिखा रहे हैं, आई थिंक आई तो सोल्ड आउट हो चुका है या फिर ये अभी तक फ्लिपकार्ट ने लाइक लिस्ट ही नहीं किया है। ओके तो गाइज आई होप आप डिसाइड कर पाएंगे आपको अल्ट्रॉन लेनी चाहिए या आपको लेनी चाहिए नॉइस फिट इवोल्व टू, तो वो आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए एंड परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस मेरी ओर से, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।